फ्लोटिंग शॉप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये भाई साहब यहाँ पे लोकेज ओनली पूरा पूल बोल रहा है। अभी नाव को ऐसा उठाया, अभी पानी में भटकने का टाइम आ गया। वहाँ पे अभी बेड रख के बीच में बैठ गया, कदम रखा है हाँ। ये हो गया आज का हमारा जर्नी। क्या बोल रहा है टाइम, शाबो बोल रहा है। तो मैं ये सेटिंग करता है यार। अभी ये देखो, ये लोग ये कि यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, यहाँ से बोर्ड चेंज बोलता है। ये पकड़ो, एक यहाँ से बोलता है बोर्ड चेंज करने के लिए। हम बोर्ड चेंज करेंगे यार। सबसे झंझट का चीज़ ये है, एक जगह में से बोर्ड पकड़ो। ये रहा बोर्ड, फिर से ये टप्पू में छोड़ेगा और यहाँ से फिर सामान उमान लेकर के वो बोलते नहीं कि चेंजेस करेगा यार। सामान उमान खोल के रख दो, उनके बाद में उठा तो मैं तो सभी निकाल दिया। मतलब बनता है तो मैं तो सभी निकाल दिया। मतलब बनता है देखो बोर्ड जो है वो चेंजेस नहीं होता है, बट सेम बोर्ड ही आता है। बट इधर में क्या है, यहाँ से ये लोग उठा करके उस तरफ डालेगा, क्योंकि पानी जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारण पानी है। वो देख लो, वहाँ से आप नीचे नहीं आ सकते हो, यहाँ से पल्स चल रहा है। मैं आप लोग को दिखा दूं यहाँ पे, अभी जाके जा रहा हूँ पार्क के बगल में, बट बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नॉइसी है। आपको शायद कुछ भी हो सकता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी भी आ रहा है उस तरफ से। का हरकत ऐसा होता है। बोटिंग का जो फाइनल पॉइंट है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को दिखाया कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था वहाँ पे, तो बोट को यहाँ से खान में बोट करके लाना पड़ता है यहाँ तक, और आपको पैदल ला करके फाइनली यहाँ से। और एक स्टेप है। हाय हाय प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू थैंक यू। ये देखो फाइनल पॉइंट यहाँ से है। ओह माय गॉड, गिर गया यार दोनों, एक बाप और बच्चा गिर गया दोनों। सो वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। चैनल नेम एसपीके ब्लॉग, एसपीके ब्लॉग, एसपीके ब्लॉग, एसपीके और आई जब तक पड़े। फ्रॉम कर्नाटक ना, तमिलनाडु, आंध्रा, फ्रॉम आंध्रा। ये हमारा बोर्ड अभी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे दोनों पहाड़ मतलब बीचों बीच, मतलब बोलता है ना, अगर 100 साल 200 साल अगर पानी बहते रहता है तो पत्थर भी इकली गल जाता है। तो यही चीज़ हुआ यहाँ पे सालों से, मेनी मेनी ईयर्स, 1000 ईयर्स से यहाँ पे छोटा सा पानी बह रहा था सौ का, अभी बहते बहते ये पूरा। दिस इज आवर बोर्ड। चलो अभी मैं आ जाता हूँ, पहले अभी बैठ जाएंगे आराम से। अभी बैठ गए यहाँ से, ये है फाइनल। और यहाँ से एक राउंड लेकर के आएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलत चिल्ला होता है, और यहाँ से बोर्ड को उठाया जाता है लास्ट पॉइंट, और हमें यहाँ से लेके जाया जाएगा। अभी वो गिर रहा, उधर से पटक रहा है, पानी छिड़कता है। आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो वहाँ पे। देखो फोटो लेकर के तुरंत आपको फोटो मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ये पत्थर वगैरह देख, वो देखा कितना जोर से आ रहा है। हम ऊपर से देख रहे थे ना, इसे नीचे से देखेंगे अभी। ये देख, वही चीज हम ऊपर से देख रहे थे, अभी यहाँ से हम नीचे से देख रहे हैं। और ये देखिए इधर साथ में ओके तो हम यहीं से जाएंगे। देखो पानी आप टच कर सकते हो। ओहो दे आर ईटिंग आवर वॉट। Like that day, there are many people. Oh my God! बढ़िया है बढ़िया है यार, सिर घूम गया यार सच में। देख हम लोग वहाँ से गोल गोल घूमते घूमते पता है यहाँ पे गोल गोल घूम गए, वो लोग भी देखो गोल गोल घूम रहा है। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ये भाई बोलो। ए भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नाम तो बता। ए बाप क्या बोलेगा यार तू, नाम नहीं बता। दीपंकर दीपंकर तुम्हारा तो नाम ही बता दे यार, क्या बोलो। हाय बोलो, बहुत मजा आ रहा है। और इधर और एक रोहित यार, रोहित हम फ्रॉम असम, इज फ्रॉम असम, बट मजा आ रहा है यार। बस का है बट लाइफ में एक बार ये एडवेंचर करो, मजा आएगा आपको। यहाँ पे कितना गहरा पानी होगा हमें कोई अंदाजा नहीं है, बट आँख में ना गर्मी का पानी आ रहा है। छतरी आप पकड़ के ला सकते हो। अगर ये दाउकी का जैसा होता है ना साफ पानी तो मजा आ जाता है। हाँ, हाँ, वो क्लीनेस्ट वाटर वाला, क्लीनेस्ट वाटर मजा आ जाता है। मतलब तब बोलता कि कोई दाउकी नहीं जाएगा, सब इधर आएगा। एंजॉय एंजॉय। इधर चेक करना पढ़ाई मस्त। ये सेकंड टाइम है अगर दाउकी विजिट करेगा, वहाँ का एक्सपीरियंस मजा है क्योंकि वहाँ का अलग सा नाव वगैरह मिलता है। बट यहाँ का बोर्ड जो होता है ना ये बांस का बना हुआ था, बम्बोस का, और पीछे से क्या बोलेंगे एक अलकतर लगाया हुआ रहता है। और अलग ये जैसे कि दाउकी में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो नाव नॉर्मली नाव मिलता है काठ का वाला वो दाउकी में मिलता है, बट यहाँ पे डिफरेंट ये नेचुरल बम्बू का बनाया हुआ है। फ्लोटिंग शॉप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये भाई साहब यहाँ पे फ्लोटिंग शॉप लेकर के देखो, यहाँ पे फ्लोटिंग शॉप आप ले, हमने यहाँ से ले लिया। अगर ये फ्लोटिंग अगर चाहिए तो कश्मीर में भी अवेलेबल है। उनके बाद में फ्लोटिंग जो है मणिपुर में, आप तो मणिपुर अभी नहीं जा सकते हो, वही वगैरह है। ये चिप्स ही मजे कर रहे हैं देखो टोपी के साथ में। और मैंने कैप चेंज कर लिया, पता नहीं ये कैप में मुझे बंदर के जैसा दिख रहा है या फिर कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता। शायद आप लोग कमेंट करें, चेहरा तो नजर नहीं आएगा अभी। अंकल के लिए तो घुमा रहा हूँ, वीडियो ऑन नहीं किया। आपका देख लीजिए पहले। अंकल ये साइड में ले लो, वो प्लास्टिक जा रहा है ना उसको उठाना है। अरे यार ये देखो कोई खा के ना प्लास्टिक यहाँ पे फेंक दिया। अंकल वो साइड में ले लो यार, पानी में क्यों फेंकते यार प्लास्टिक। इधर दे दो, साइड करो। प्लास्टिक उधर फेंका हुआ, ऐसा मत करना यार। कोई भी वीडियो देख रहा है ना तो प्लास्टिक मत फेंकना। ये देखो हमने यहाँ पर रख दिया, बाद में फेंक देना। तो प्लीज़ प्लास्टिक बोतल प्लास्टिक पानी में मत फेंको, गंदा मत करो। खाओ पियो बैग में डाल के अंदर ले जाओ यार, बाद में बाहर में फेंकना, बाहर में जला जाता है। बट पानी के अंदर अगर डूब गया तो क्या होगा बताओ। तो इसलिए प्लीज़ ये अवॉइड करो। चिप्स इंदर पंडा का पूरा पूरा लो। ओए मुसीबत तो जा पले मगन देगा सो ना मास हो जाएगा ना। वो अंकल लोग मछली पकड़ रहे हैं, वो देखो कैसे मारता है। देख मैसूर हो गया था क्या वो, मैसूर 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 वाले का वो जो है ना वहाँ पे देखो कर्नाटक वाला बोर्ड है। हम जो है उन लोग का देखो ड्रेस जो है ना ब्लू है, बोर्ड राइडर उन लोग का ब्लू है। और यहाँ का तमिलनाडु का ये होता है। अभी थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है ना हवा आने के बाद में। बट एक चीज मैं बता दूं यार, ये जो नाव है ना प्लास्टिक का बोरा रहता है उसी का है, तो और नीचे से पानी आता है तो पिछवाड़ा भीग सकता है, तो हो सके अगर पर्सनली ऑलरेडी भीग चुका है, हम लोग का पिछवाड़ा भीग चुका है, तो इसलिए मैं कहूँगा अगर प्लास्टिक अगर कैरी कर सकते हो ना, हाफ पैंट वगैरह आते हो पहन के तो बेटर रहेगा। बट अगर धूप में अगर हाफ पैंट लगाते हो ना तो जल जाएगा यार, बहुत ज़्यादा धूप बढ़ाएगा, टू मच। क्या है यहाँ पे मछली मिलता है 4 पीस 100 में। आंटी लोग यहाँ पे स्पेशली कहाँ से आता है पता नहीं, बट यहाँ से आने के लिए कहीं से और से आना पड़ेगा सभी लोकल से। पूरा फुल बोल रहा है 4 पीस। हाँ 4 पीस चोड़ी आंटी 4 पीस 100 5 पीस 100 इला आंटी, तो बड़ा वाला 100 बोल रहा है। अंकल के लिए किया ना नहीं, इसी को दे देंगे। वो छोटा कितना पूछो, वो भी 100 और ये छोटा छोटा 4 पीस में 100। तो यहाँ पे ये लोग बनाते हैं, बट क्यूट है यार, क्यूट है। और फ्रेश मछली अभी धुलाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तो काफ़ी लोग यहाँ पे है। मछली को मीना कहता है क्या इधर? अभी हम फ्राई फिश टेस्ट करेंगे, बट ये तो यार अभी फ्रेश कोल्ड हो गया यार, मुझे लगा था। ट्विंकल ट्विंकल स्टार पानी में ट्विंकल ट्विंकल। ए यार हाथ नहीं लगाएंगे यार, कुछ खा दिया था सच में यार। पूरा एक राउंड दे करके हम लोग आ गए हैं, दे करके वापस जा करके हम अभी उस तरफ जाएंगे क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। 1 राउंड करके आया अभी ये लोग, अभी जा रहे हैं। और एक बार ये लोग तो पूरा डब्बा में पूरा डाल रहा है। अभी फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हम नहा सकते हैं। यहाँ पे नहाना भी हो गया, काफी शानदार तरीके से नहाना आपने देखा होगा, बट अभी जाने का टाइम हो गया यार। बहुत लंबा ब्लॉग हुआ, अगर ब्लॉग पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। और यहाँ तक पहुँचने के लिए पता ही होगा ना कि फल बेंगलोर से 123 किलोमीटर लगभग 3 घंटे का रोड है, बट यहाँ पे मजा आएगा। 4 घंटा मजे कर लो, संडे का दिन सैटरडे का दिन कभी भी आओ, बट संडे सैटरडे पूरा फुल मस्ती है। तो बाय बाय, सी यू अगेन। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ओके है ना, इसी को तो पियेंगे, पेट भर जाएगा, बट कभी नहीं पिया मैं।